बहुत लोगों ने बार बार बोला कि 28 फरवरी 2002 गोधरा गुजरात, हिम्मत नहीं है क्या बात करने की? पहले CAA, फिर शाहीनबाग, फिर JNU हिंसा, दिल्ली और बंगाल दंगे और उसके बाद कश्मीर फाइल। मैंने पूरी कोशिश करी कि गुजरात के विषय को ना छेड़ा जाए, वजह हिम्मत नहीं थी। एक सनातनी हिंदू अपने आप में हिम्मत और शौर्य की परिभाषा है। वजह थी सही समय की प्रतीक्षा थी, उस क्षण की जब एक तरफा का सेकुलरिज्म सोए हुए हिंदुओं के घरों को आग लगाएगा। पिछले 15 दिन से इस देश में जो हुआ है वैसा कुछ फरवरी 2002 गोधरा गुजरात में हुआ था, लेकिन इस देश को कहानी केवल 28 फरवरी दंगों की सुनाई गई। एक दिन पहले 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ था? हिम्मत मात्र सच बोलने को नहीं, कभी कभी सच झेलने को भी चाहिए। 100,000 with a paceman who were burnt to death. अट्ठाईस फरवरी से 2 मार्च तक 3 दिन गुजरात के अंदर भयंकर दंगे हुए। दंगों में सबसे ज्यादा मुख्यतः 800 के करीब मुसलमान मारे गए, 200 से ज्यादा हिंदू और उतने ही पुलिस वालों की हत्या हुई। हजारों लोग अपना घर छोड़ गए, लोगों को उनके घर सहित जिंदा जला दिया। सरकार दंगों की जांच में हिंदुओं का पक्ष न ले, इसलिए सरकार ने दंगों की जांच में एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई। गुजरात हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने 6 साल बाद 18 सितंबर 2008 को अपनी फाइनल रिपोर्ट पब्लिक करी। मेरा एक भी शब्द अपना नहीं है। आगे जो कुछ भी आप सुनने वाले हैं वो उसी गुजरात दंगों की रिपोर्ट में लिखा गया है। प्रभु श्री राम हिंदुओं के लिए उनका इतिहास, आस्था और सनातन पहचान के प्रतीक है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं को उनके ही देश में प्रभु श्री राम की उपासना से वंचित रखा गया। सबूत मांगा गया कि प्रभु श्री राम अयोध्या में कहां पैदा हुए। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में सियावर राजा रामचंद्र के जन्म स्थान पर बड़ी बाबरी मस्जिद गिरा दी। दंगे हुए, लोग मारे गए, लेकिन 1993 में मुंबई बम धमाके क्यों हुए? खैर, सरकारें बदली, वादे हुए, लेकिन राम मंदिर निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ। वर्ष 2002 फरवरी अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पूर्ण आहुति महायज्ञ का ऐलान हुआ। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु और कार सेवक अपनी आहुति देने पहुंच गए। ऐसी ही कार सेवकों से भरी एक ट्रेन गुजरात से पहुंची थी। 27 फरवरी 2002 वापसी में आते हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकी। गोधरा एक मुस्लिम बहुल इलाका है और गोधरा का इतिहास रहा है कि यहाँ एक नहीं दसियों हिंदू विरोधी दंगे हो चुके हैं। 27 फरवरी के दिन भी गोधरा स्टेशन पर एक कार सेवक और मुस्लिम चाय बेचने वाले की झपट हो गई। जब थोड़ी देर बाद ट्रेन चली तो किसी ने ट्रेन की चैन को खींचा, एक नहीं कई बार खींचा। जैसे ही ट्रेन रुकी तभी एक भीड़ पत्थर, पेट्रोल, लोहे की रोड और एसिड बल्ब के साथ उस ट्रेन पर टूट पड़ी। जान बचाने के लिए किसी तरह जिंदा बच सके इसलिए कार सेवक ने अपनी ट्रेन के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वो हमला इतना भयंकर था कि उस भीड़ ने उन खिड़की और दरवाजों को भी तोड़ दिया। और तभी उस ट्रेन के S6 कोच में वो भीड़ पेट्रोल फेंक कर आग लगा देती है। 59 कार सेवक, 27 औरतें और 10 बच्चे जिंदा जला दिए और जलते हुए शरीर भी बस एक नाम, जय श्री राम बोल रहे थे। कुछ घंटों बाद पास के ही एक लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि काफिरों को मारो, हमारा मजहब खतरे में है। इस बार भीड़ बड़ी थी और आवाज केवल एक की, हिंदुओं को मारो, काट डालो, जला डालो। दंगे ये भी थे, हत्याएं यहाँ भी हुई, लेकिन इस देश को बस वो दिखा जो 28 फरवरी से 2 मार्च तक हुआ। 2004 कांग्रेस केंद्र में जीत जाती है। 19 जनवरी 2005 कांग्रेस अपनी जांच में 27 फरवरी की घटना को एक एक्सीडेंट, शॉर्ट सर्किट बताती है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कार सेवक खाना बनाने के लिए जो केरोसिन ऑयल अपने साथ ले गए थे उससे उस ट्रेन में आग लगी है। वजह 2005 बिहार का चुनाव, एक समुदाय को खुश करना और उनकी वोट पाना था। अगर किसी को यह लगता हो कि यह घटना 20 साल पुरानी है और आज के समय इसका कोई संदर्भ नहीं है तो यह वहम अभी तुरंत दिमाग से निकाल दो। 2 अप्रैल 2022 करौली राजस्थान, हिंदुओं का नववर्ष वही भगवा, वही राम का नाम, वही शोभा यात्रा और वही नफरत भरे पत्थर, वही पेट्रोल वाली आग। एक हिजाब पर इस देश में महीनों तक बवाल मचा, लेकिन यह
दंगे एक भी दिन मीडिया में नहीं चले, क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन तो जली लेकिन गोधरा वाली घटना नहीं हुई। 8 दिन बाद 10 अप्रैल 2022 रामनवमी का दिन प्रभु श्री राम का जन्म दिवस। इस बार कोई एक राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत से राम नाम पर पत्थर बरसाए गए। संयोजित तरीके से आगजनी और हमले हुए और यकीन मानिए यह काम उस देश में हो रहा है जहां 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। इसके 6 दिन बाद 16 अप्रैल 2022 हनुमान जयंती का दिन जहांगीर पूरी दिल्ली। अभी तो सीए दंगों के घाव भी सही से नहीं भरे थे और इन्होंने सेकुलरिज्म का एक और तोहफा दे दिया। और ये आखिरी हमला नहीं है, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है तब तक सोया है जब तक ये आग उसके घर को ना खा जाए। प्रशासन, सरकार, संस्थाएं और सिस्टम, अपने मजबूर हालात के लिए इन्हें दोष मत दो, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना जानता हो। जहां हर किसी का प्रयास एक एक सनातनी को, इस राष्ट्र को मजबूत करना हो, जहां किसी की भी हिम्मत राम नाम पर पत्थर फेंकने की ना हो बल्कि उन्हीं हाथों से फूल बरसते हो। आपका साथ, आपकी सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है इस यज्ञ को, सनातन जागृति की इस प्रतिज्ञा को आगे और भी ज्यादा मजबूती से प्रदर्शित कर सकूं। तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में सहयोग करें। और मेरा यह काम पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।